आज मैं आपको लेकर आ गया जयपुर की फेमस राधे श्याम भाटिया पनीर वाले पे। तो हमारा यहाँ पे स्प्रिंग रोल की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सर जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर जुगल भाटिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैटर डाल दिया गया है तवे पे और अब इसकी रोटी बना दी गई है। हमारे मैदे और अरारोट की शीट बनके रेडी हो चुकी है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। तो हमारे मैदे और अरारोट की यहाँ पे शीट आ चुकी है। क्या क्या रहते हैं इसमें सर? वेजिटेरियन नूडल्स है। ये जो सर है ना, एक होल है जो कॉर्नफ्लावर मैदे की है और इसमें चिपकाते हैं। इससे चिपक जाता है, इससे चिपक जाता है। अगर पानी से चिपकाएंगे तो फिर ये हमारा रोल नहीं बैठेगा। तो हमारा देख सकते हो स्प्रिंग रोल अच्छे से सेट हो चुका है और यहाँ पे प्लेट में लगाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे स्प्रिंग रोल बन के आ चुके हैं। अब इसको यहाँ पे हाफ फ्राई किया जाएगा। तो कितना टाइम लगता है भैया इसको बनने में? 5 मिनट। 5 मिनट में हाफ फ्राई हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इसको फुल डन किया जाएगा। तो हमारे यहाँ पे स्प्रिंग रोल हाफ डन हो चुके हैं, तो एकदम देख सकते हो क्रिस्पी हो चुके हैं। बट अभी इसको फुल डन किया जाएगा तो ये अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर कलर एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो हमारे स्प्रिंग रोल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो टिश्यू से अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल दिया जाएगा और अब इसकी कटिंग कर ली जाएगी। कितने पीस करते हैं भैया इसके? इसके 4 पीस होते हैं। 4 पीस करते हैं। हाँ जी, चाट मसाला MDH का। ये आ गया चाट मसाला। तो ये आ गया चाट मसाला। तो फाइनली हमारा स्प्रिंग रोल लगके कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर की स्टफिंग, तो इसमें चाउमीन डाली हुई है, काफ़ी सारी वेजेस डाली है, ऊपर से डाला है चाट मसाला, साथ में दी है गार्लिक चटनी और ग्रीन चटनी। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं ट्राई करूँगा इनकी गार्लिक चटनी के साथ। तो इनका स्प्रिंग रोल काफ़ी टेस्टी बना है, काफ़ी क्रंची है, काफ़ी क्रिस्पी है। जो इसके अंदर की स्टफिंग है काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही है। बाकी जगह आप स्प्रिंग रोल खाओगे तो आपको थोड़ा ऑयली दिखेगा, बट ये देख सकते हो आप, आपको ऑयल इसमें बहुत ही ज़्यादा कम दिखेगा। और जो मैंने गार्लिक चटनी का टेस्ट किया है तो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो टाइमिंग क्या रहती है आपकी? टाइमिंग है अपनी सुबह 10 से रात को 11। और वीक में कितने दिन ओपन रहती है? 7 डेज। 7 डेज ओपन। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आ रहा हूँ। एड्रेस है अपना, अपनी 2 शॉप है, 161 170 मेन राजा परक चौराया नियर हनुमान ढाबा, राधेश्याम भाटिया पनीर टिक्के वाले के नाम। और अपन स्विगी जोमेटो पे भी अवेलेबल है। तो अगर आप भी बढ़िया सा स्प्रिंग रोल खाना चाहते हो, कुछ बढ़िया स्नैक्स खाना चाहते हो, तो बात कर लिए इसकी प्राइस की। इसका प्राइस है 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ में आपको 2 पीस मिल जाएंगे। तो अगर आप भी जयपुर रहते हो, विजिट कर रहे हो, तो इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में।